सब्सक्राइब करिए बी योर डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वाई पावर और आज मैं आपको बताऊंगा एपिस्टेक्सिस के कॉजेज के बारे में, यानी कि कौन कौन से डिजीज में नाक से खून बहता है। आज का हमारा टॉपिक एपिस्टेक्सिस यानी कि नाक से खून बहना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जनरल प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स मिलते रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, ये जो दिक्कत होती है ये कौन कौन सी बीमारी में हो सकता है। जब कभी एपिस्टेक्सिस की किसी को दिक्कत हो, नाक से खून बहे, तो पहली चीज ये देखनी होती है, उसकी हिस्ट्री ये देखनी होती है कि उसकी बॉडी में और क्या क्या चेंजेस है, उसकी बॉडी में बुखार है या नहीं है। तो पहली चीज वो आप हिस्ट्री से रूल आउट करिए कि उसको बुखार है या नहीं है। अगर मलेरिया, टाइफॉइड, वायरल फीवर या फिर मिजल्स, ऐसा कोई भी बुखार हो तो इसमें यह दिक्कत हो सकती है। पहले इतने आप चेक कर लीजिए कि उसके हिस्ट्री में ये बुखार है या नहीं है। फिर दूसरे स्टेज पर आइए जिसमें उसका ब्लड प्रेशर मेजर करिए। अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन अगर उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, वो हाइपरटेंसिव हो, उसमें हाइपरटेंशन हो, तो फिर ये दिक्कत नाक से खून बहना ये ब्लड प्रेशर का ज्यादा होने की वजह से भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर के ज्यादा होने की वजह से नाक की जो खून की नली है वो टूट जाए और एपिस्टेक्सिस हो जाए, नाक से खून बहे, ऐसी दिक्कत हो सकती है। पेशेंट को ये प्रॉब्लम किसकी वजह से है, कौन सी डिजीज कंडीशन की वजह से है, उसके लिए ये सारे कोर्स रूल आउट करने पड़ते हैं। आपने स्टेज वन देखा कि बुखार के रिलेटेड है या नहीं, स्टेज टू देखा कि ब्लड प्रेशर के रिलेटेड है या नहीं। ये दोनों स्टेज के बाद आता है स्टेज आपको लोकल कोर्स देखना है, नोज के अराउंड, कि उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम हुआ हो। वो लोकल जो आप नोज को जांच करेंगे, उसकी जांच में आपको यह देखना है कि कोई इंजरी है या नहीं है, कोई चोट लगी हो और ये दिक्कत हुई हो, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, आपको अंदर की तरफ नोज में देखना है कि कोई ट्यूमर है या नहीं है। अगर उसमें गांठ हो और वहां से ब्लीडिंग हुआ हो तो उसकी वजह से भी यह दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा आपको वहां देखना है कि कोई इन्फेक्शन है या नहीं है, राइनाइटिस जिसमें कोल्ड कोराइजा होता है, उसके अलावा साइनोसाइटिस, नजदीक में साइनस आते हैं उसमें कोई सूजन हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा डिफ्थेरिया जो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसमें सर्दी खांसी बुखार आना, ये सारी दिक्कत होती है। तो आपको ये भी सारे कोर्स रूल आउट करने हैं। जैसे ही पेशेंट आया, आपने पहले देखा कि बुखार के रिलेटेड है या नहीं है, ब्लड प्रेशर के रिलेटेड है या नहीं है, और तीसरा लोकल कोई नोज के आसपास कोई कोर्स है या नहीं है। अगर इसमें से आपको कोई भी कोर्स ना मिले और उसके बावजूद उसको यह दिक्कत हुई हो तो फिर आपको कोर्स पर आना है कि उसको हिमेटोलॉजिकल यानी कि ब्लड का कोई डिजीज तो है या नहीं है, और ये ब्लड के डिजीज के वजह से तो नहीं हुआ है, आपको वहां तक पहुंचना है। हिमेटोलॉजिकल कोर्स में पहले आपको ये देखना है, आप एपिस्टेक्सिस में जब सीबीसी रिपोर्ट और बीटीसीटी, सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ये एक सिंपल रिपोर्ट होता है, हर एक को शायद इसका नॉलेज होगा ही, एक पूरा रिपोर्ट आता है जो हीमोग्लोबिन से शुरू होता है और उसमें सारे ब्लड के काउंट्स आ जाते हैं, एक सीबीसी रिपोर्ट और दूसरा बीटीसीटी यानी कि ब्लीडिंग टाइम क्लोटिंग टाइम, ये तीन रिपोर्ट हो जाए तो उस पर से पता लग जाएगा कि ब्लड का कोई कॉज है या नहीं है। हीमेटोलॉजिकल कॉज में हमें फाइंड आउट ये करना है कि अगर उसके रिपोर्ट में प्लेटलेट कम आया तो वो प्लेटलेट कम आने की वजह आईटीपी हो सकती है जिसमें प्लेटलेट कम होता है, दूसरा ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड का कैंसर हो सकता है, फिर तीसरा एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है जिसमें बॉडी के जो हमारे खून में सारे काउंट्स है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, ये तीनों काउंट की एप्लास्टिक एनीमिया में कमी होती है, बॉडी के अंदर से ये काउंट्स जनरेट ही नहीं हो पाते हैं। तो पहली चीज आपको ये देखनी है हीमेटोलॉजिकल में कि प्लेटलेट अगर कम है तो ये किसकी वजह से है, और उसके बाद आपको देखना है कि प्लेटलेट के स्ट्रक्चर में तो कोई फर्क नहीं है, जब ग्लांजमास थ्रोम्बास्थेनिया ऐसे करके बीमारी होती है तो उसमें जो प्लेटलेट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं होता है और उसकी वजह से ये दिक्कत होती है। फिर आपको हीमेटोलॉजिकल में कॉजेस में आपको देखना है कि जो खून के जमने की प्रोसेस होती है जिसमें 13 फैक्टर अनिवार्य है, वो 13 फैक्टर काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर उसमें कोई भी दिक्कत हो तो वो डिजीज को कहा जाता है हीमोफीलिया,
जिसमें ये जो 13 फैक्टर हैं, उसमें से कुछ फैक्टर्स में उसकी कमी होती है और उसकी वजह से नाक से खून बहना ये दिक्कत हीमोफीलिया में होती है। हीमोफीलिया में अगर छोटी भी इंजरी आ जाए तो बॉडी का वो पार्ट ब्लैकिश हो जाता है, ब्रूइश हो जाता है, ये दिक्कत हीमोफीलिया पेशेंट्स में होती है। तो इतने आपको हीमेटोलॉजिकल में कोज रूल आउट करने हैं। और लास्ट कोज, उसको विटामिन बी12 उसकी डेफिशिएंसी है या नहीं। अगर उसको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है तो फिर एपिस्टेक्सिस, नाक से खून बहे ऐसी दिक्कत हो सकती है। बी12 की डेफिशिएंसी में साथ साथ हाथ पैर में झुनझुनाहट सी हो, खालीपन लगे, ऐसा सिम्टम्स भी होता है, इसलिए आपको तुरंत पता लग जाएगा कि उसको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है या नहीं है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताई, ये जो एपिस्टेक्सिस होता है, नाक से खून बहता है, ये कौन कौन सी डिजीज कंडीशंस में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके जितने सारे कॉजेज हैं वो पूरे लॉजिकल हैं। आप एक बार फिर से मैं आपको हाईलाइट देता हूं कि ऐसे दिक्कत वाला कोई भी पेशेंट हो तो पहले देख लीजिए बुखार के रिलेटेड है या नहीं है, फिर ब्लड प्रेशर, फिर लोकल कॉज, और लास्ट में आप आइए हिमेटोलॉजिकल कॉज में। और जैसे ही सीबीसी और बीटीसीटी रिपोर्ट हो जाएगा तो ये रूल आउट हो जाएगा कि उसको ये हिमेटोलॉजिकल कॉज है या नहीं है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए और जिस और किसी को जरूर काम आएगा। मुझे मेल करिए, कमेंट करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का। और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।